डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास नाइन्थ, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिव्यू क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 2, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है इनसर्कल द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है, करेक्ट आंसर को इनसर्कल करना होता है। नंबर 1, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपने इसको सर्कल करना है या आपने इसको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, बिकॉज मैटर एग्जिस्ट इन ऑल दीज 3 स्टेट्स। नंबर 2, माइक्रोस्कोपिक, सॉरी, दिस इज नंबर 3। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज दैट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द नेकेड आइज, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज दीज कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द नेकेड आइज। नंबर 4, मैटर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय बोथ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज मैटर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय बोथ ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, यानी इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों शामिल हैं। ऑप्शन बी में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और ऑप्शन सी में सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ऑप्शन ए इसलिए ठीक है कि इसमें दोनों मौजूद हैं। नंबर 5, अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपको एलिमेंट का नाम या जो स्पेलिंग है वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर ये सवाल इस तरह मुकम्मल होता है कि अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, देन इट विल बी कॉल्ड अ कंपाउंड। सो दीज वर दी 5 ऑब्जेक्टिव्स, और इस चैप्टर में सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपने अपने बुक्स में भी इसको सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।